सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। मंच पे हमारे साथ देश के बहुत ही सम्मानित नेता, देश के बहुत ही जागरूक, और जैसा उन्होंने कहा कि समाजवाद कभी जा नहीं सकता, ऐसे हमारे समाजवादी नेता आदरणीय यशवंत सिन्हा जी मंच पर उपस्थित, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी मंच पर उपस्थित, पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी और बड़ी संख्या में आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के साथ चल रहे सभी हमारे किसान भाई यहां पर उपस्थित, बड़ी संख्या में सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं जो यात्रा लेकर के निकले हैं। आज जब हम सब गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम लोग मन में ये भी सोच रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकारें हैं उन्होंने कैसा डर पैदा कर दिया है। जिस आजादी को पाने के लिए इस देश के लाखों लाख लोग फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने जाने निछावर कर दी इस देश को आजाद बनाने में, और उसके बाद ये लोग किस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि एक वो जो लाठी लेकर के पूरे बदन पे एक कपड़ा धोती रख करके जो गुजरात से चले थे, केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया और संदेश दिया। उन्होंने आखिरी सांसें जरूर यमुना के किनारे ली और आज वहीं पर यमुना के किनारे ऐसे लोग बैठे हैं जो उसी जगह के हैं जो देश की सत्य और अहिंसा के रास्ते पर रोड़ा बन करके खड़े हैं। आज हमारे देश में सत्य के रास्ते पर चलने वालों के लिए और अहिंसा के पुजारी के रास्ते पर चलने वालों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। एक जहां से गुजरात से रास्ता निकला था सत्य अहिंसा का, वही हमें और झूठा सपना दिखा करके देश को कहां ले गए। इसलिए मैं बधाई देता हूं देश को जगाने के लिए जो गांधी शांति यात्रा आप निकाल रहे हैं, आप जगा रहे हैं लोगों को। और जिस तरीके से आपके साथी ने कविता से एहसास दिलाया है कि आप जिंदा हैं कि नहीं हैं, मुझे भरोसा है ऐसे लोगों पर, आप सब पर और पूरे देश के लोगों पर, कि जब कभी दोबारा मौका मिलेगा ऐसे लोगों को वहीं पहुंचा देंगे जहां से आए थे, वापस अपनी वोट की ताकत से। बस देश इंतजार कर रहा है। हमारे अकोला के किसान अगर आए तो उन्होंने अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी देखी है। यहां भी किसान दुखी है, किसान के सामने अंधकार है। और जब आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने कहा हो तो देश के नहीं बल्कि दुनिया के बड़े जानकारों में गिने जाते हैं। वो देश के जहां वित्त मंत्री रहे वो अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि हमारा देश किस ढर्रे पर जा रहा है। और जिस देश का किसान दुखी हो जाए, नौजवानों के सपने टूट जाएं, तो सोचो बच्चों का भविष्य क्या होगा।
अगर आपने कहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे तो ये चंबल और यमुना के किनारे के रहने वाले लोग और गंगा के बीच के रहने वाले लोग भी कागज नहीं दिखाएंगे। और ये हमारे जो सपेरे आए हैं, हमें और आपको भारत को जब भी पढ़ा गया, भारत के बारे में जब कभी किताबों में लिखा गया तो यही लिखा गया कि जहां साधु संतों का देश है वहीं यही लिखा गया ये हमारे सपेरों का देश है। हमसे आपसे पुराने सपेरे हैं। अभी एक दिन मैंने इनसे पूछा रास्ते में रुक करके, कहा कि बताओ आप पर कागज है? तो बोले हम पे कागज नहीं, हम पे तो अस्पताल के कागज हैं। बताओ इन पे घर नहीं, इन पे खेत नहीं, और इनके साथ जो गुजरा है वो किसी के साथ नहीं गुजरा होगा। इन पे सांप थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सांप ले लिए, अब केवल इन पे बीन बचा है। तो बताओ ये कैसे साबित करेंगे? और ये पुलिस के लोग भी कभी कभी लाठी दिखाते हैं। अकेले में इनसे पूछ लेना कि बताओ जिस घर से जिस गांव से आप निकल करके आए हो, बताओ आप पे अपने घर के कागज हैं कि नहीं है? और अपना तो आपने बना लिया होगा डेट ऑफ बर्थ जैसे तैसे, लेकिन जो बुजुर्ग यहां कोई हो पुलिस वाला, वो बताओ अपने पिताजी का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेके आओगे? ये जो सफेद टोपी में हैं, न जाने कितने तहसीलदार एसडीएम को देखा है उन्होंने आते जाते, इनके अपने घर के कागज नहीं होंगे। बताओ गांव के घर के कागज हैं आप पे? बताओ वो भी मना कर रहे हैं। तो कागज कहां से दिखाएंगे, ये सवाल बड़ा है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था डूब रही है, आदरणीय एस एन सिन्हा जी ने ठीक कहा, अर्थव्यवस्था डूब गई। किसान जब डूबेगा तो अर्थव्यवस्था कोई बचा नहीं सकता। ये अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी और उसी का परिणाम ये है कि आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कहीं तरक्की खुशहाली नहीं दिखाई दे रही। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और आज जब इतना बड़ा तिरंगा लगाया है, कभी कभी ये इसी के रास्ते कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, हमें और आपको धोखा देते हैं, और कभी कभी राष्ट्र के नाम पे ही कुर्सी पे पहुंच जाते हैं। इसलिए इतना बड़ा झंडा लगा दिया कि अब वो घबराएंगे कुछ सवाल पूछने पर आपसे और हमसे। और फिर जैसी जो दिल्ली सरकार वो है सो है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो बाबा मुख्यमंत्री जी, उनका कमाल कुछ और है। इसलिए हम आदरणीय एसएन सिन्हा जी को सैफई आने पर धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं एक यात्रा के लिए, और शुभकामनाएं देते हैं। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जो आप गांधी शांति यात्रा लेकर के निकले हैं, यही हमारे देश की आत्मा है। जो गांधी को समझ लेगा, जो शांति पालेगा, यही हमारे देश की और भारत की आत्मा है, यही हमारे देश का रास्ता है। ये दुनिया में हमें भारत को बदनाम करने जा रहे हैं। और वहीं जो आपने किसानों को जगाने का काम किया है, मुझे आने वाले समय में भरोसा है कि आपकी इस बात को न केवल यहां तक रखेंगे लोग, बल्कि गांव-गांव पहुंचा देंगे। और गांधी शांति यात्रा का जो परिणाम आएगा वो देखने लायक होगा। और जो कागज नहीं दिखाएंगे उसके लिए तो अब उन्हें बड़ी फौज लगानी पड़ेगी, तब जाकर के गांव तक बात पहुंचेगी। आज ही पहुंच गई, कागज नहीं दिखाएंगे, अब कोई कागज नहीं दिखाने वाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पूरे उनके सहयोगी साथियों का आभार प्रकट करता हूं, एक अच्छी कविता के लिए, एक अच्छी जानकारी के लिए, और एक अच्छे संदेश के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जितने हमारे समाजवादी साथी आए हैं, जिन्हें मैं देख रहा हूँ पीछे से लेकर के आगे,
हमारे विधायक, पूर्व विधायक, बहुत सारे बड़ी संख्या में नौजवान साथी, ये जो माताएं बहनें प्यारे बच्चों, इन सब का मैं धन्यवाद देता हूं कि कम समय में, कम जानकारी के बाद भी आप भारी संख्या में आए। मैं आपको भी बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और संकल्प लेकर के जाएं कि गांधी का देश को बचाना है, लोहिया जी के देश को बचाना है और अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है उसका संकल्प लें कि गणतंत्र दिवस के दिन जब लागू हुआ है तो इसको बचाने का काम भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबको। एक एक करके जाएंगे, कुछ लोग पहले निकल जाएंगे। सपेरों में ज्यादा नहीं बीन बजाना। दो बीन बजाने वाले कौन है? राजीव, दो या तीन सपेरे बीन बजाने वाले आ सकते हैं आगे। और लोग मत आना, और वहीं बैठ जाना। और लोग बैठे रहे अपनी जगह पर, धन्यवाद। एक दो ही तीन बीन वाले, ज्यादा नहीं, वहीं बैठा लो। ए पुलिस, वहीं पे बैठा लेना, वहीं पे।